सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम संतोष और आज बात करने वाले हैं स्कॉडा की तरफ से आने वाली स्कॉडा स्लाविया और कुशाक में हाल ही में लॉन्च हुए न्यू एलिगेंस एडिशन के बारे में और कैसे फीचर्स हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या क्या इसमें चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कॉमेंट करके जाएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्कॉडा के स्लाविया और कुशाक के लाइनअप में एक नया एलिगेंस एडिशन ऐड किया गया है जिसमें आपको डीप ब्लैक एक्सटीरियर कलर देखने के लिए मिलेगा। एलिगेंस एडिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन स्टाइल वेरिएंट के ऊपर बेस्ड है। 1.5 लीटर का TSI इंजन में आपको मिल जाएगा और अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो मैनुअल 6 स्पीड और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन अवेलेबल है। कितनी एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करना है इस एडिशन को लेने के लिए, वो है ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ आपका एक्स शोरूम पे बढ़ जाएगा अगर आप एलिगेंस एडिशन लेने जाते हैं। और अगर आप स्कॉडा की बेस से टॉप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जाकर स्कॉडा की चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको स्कॉडा की सारी कार्स के रिव्यू अवेलेबल मिल जाएंगे। और जो पहला न्यू है वो है आपका रेडिएटर क्रोम ग्रिल जो कि कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी स्कॉडा एलिगेंस क्लासिक में। और अगर हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो क्रिस्टलाइन LED ऑटोमेटिक विद एल शेप DRL हेडलैम्प यूनिट देखने के लिए मिलता है। नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। और अगर बम्पर्स वगैरह की बात करें तो ओवरऑल कंप्लीट ब्लैक कलर के बम्पर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और ओवरऑल कुछ इस तरीके का लुक है। और अगर वाइपर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स देखने के लिए मिलते हैं। और वायरवेंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल विथ टर्न इंडिकेटर्स के साथ आपको ओआरवीज देखने के मिलते हैं। स्कॉडा के यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है और पेडल लैम्प भी आपको मिलता है जिस स्कॉडा रिफ्लेक्ट होता रहेगा। और अगर टायर साइज की बात करें तो 205x55 R16 इंचेस के आपको विंग शेप अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं। और अगर सस्पेंशन की बात करें तो मैकपर्सन सस्पेंशन विथ लोअर ट्राइंगुलर लिंक्स एंड स्टेबलाइजर बार के साथ सस्पेंशन मिलते हैं। रूफ आपको कंप्लीट ब्लैक मिलती है, सनरूफ आपके अवेलेबल है जिसके बारे में अंदर चल के बात करेंगे। और अब अगर बात करें कार की कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS विथ EBD, मल्टी कॉलिजन ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल सिस्टम, XDS एंड XDS प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल, MSR, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, हिल होल्ड कंट्रोल, 3-point सीट बेल्ट विथ प्री टेंशनर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट आइसोफिक्स, डोर इंडिकेटर, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर विथ फ्लोटिंग कोड सिस्टम, जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। और क्रैश टेस्ट में स्कॉडा स्लाविया को 5 में से 5 सेफ्टी स्टार देखने के लिए मिले हैं और ऐसा कुछ कंप्लीट लुक मिलता है। और यहाँ पे बात करें तो क्रोम डोर हैंडल्स विथ रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। पैसेंजर साइड यहाँ पे क्रोम बिडिंग्स मिल जाती हैं। और जो एलिगेंस एडिशन का बैच है वो आपको ए पिलर बी पिलर के पास मिल जाएगा, अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। और कुछ इस तरीके का यहाँ पे भी क्रोम डोर हैंडल्स आपको रियर में देखने के लिए मिलता है। क्रोम स्ट्राइप कुछ इस तरीके से कंटिन्यू होती है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलेंगे और आगे डिस्क मिलते हैं। और अभी चलते हैं पीछे और जो बैक प्रोफाइल है स्कॉडा स्लाविया के एलिगेंस एडिशन का वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है पीछे से स्कॉडा स्लाविया। यहाँ पे स्कॉडा की बैजिंग मिल जाती है। नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा है, LED रजिस्ट्रेशन प्लेट लाइट्स हैं, स्लाविया की बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पे है फुल्ली LED टेल लैम्प सेटअप कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है स्कॉडा की लाइटिंग पीछे से। और ओवरऑल जो लुक है लाइटिंग ऑन होने के बाद कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। कमेंट बताइए आपको कैसी लगी स्कॉडा स्लाविया का एलिगेंस एडिशन। नीचे की बात करें तो यहाँ पे ये भी क्रोम पार्ट जो है ये एलिगेंस एडिशन का पार्ट है 3। और यहाँ पे 1.5 TSI की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर आपको स्टॉप लैम्प LED और डिफॉगर और ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना ब्लैक पियानो फ्रेश में देखने के लिए मिलता है। और अभी टेलगेट ओपन करते हैं, कुछ इतनी हाइट पे आपका टेलगेट जाता है। और अगर बूट स्पेस की बात करें तो 521 लीटर्स की बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगी। ओवरऑल कुछ इस तरीके से अंदर आपको बूट लैम्प भी अवेलेबल है कुछ यहाँ पे। और 60-40 का स्पीड फंक्शन भी आपको सीट्स में मिल जाता है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसे उठाएंगे तो नीचे आपका स्पेयर व्हील और सबवूफर देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरीके से। टूल किट्स वगैरह अवेलेबल है, फर्स्ट एड। और अभी क्लोज करते हैं टेलगेट और चलते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ। और अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो 45 लीटर्स का पेट्रोल फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है जिसके लिड आप बाहर से ही ओपन कर सकते हैं अगर आपकी कार अनलॉक है तो। काफ़ी कन्वीनियंट फीचर हो जाता है।
ड्राइव साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं, और डोर ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का डोर आपको देखने के लिए मिलता है। एलिगेंस एडिशन में जो एक्स्ट्रा फीचर है वो आपका जो पडल लैंप है जिसमें स्कॉडा का एम्बलम मिलता है वो भी इसमें आपको मिलेगा। यहाँ पे फ्रंट ड्राइव साइड विंडो आपकी ऑटो टच मिल जाती है यानी अप एंड डाउन, और यहाँ पे है ब्लैक पियानो फिनिश, डोर लीवर्स, नीचे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर की स्पेस, सॉफ्ट टच फिनिश है, यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाती है, और स्कफ प्लेट भी आती है एलिगेंस एडिशन की, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सीट्स देखने के लिए मिलेगी और लेदरेट सीट पॉश भी मिलती है। और की बात करें तो सेम एज इट इज़ की वही मिलती है जैसे आपको टॉप वेरियंट्स में स्कॉडा की कीज़ मिलती हैं। क्लिप की मिलेगी लॉक अनलॉक और टेलगेट रिलीज के बटन के साथ कुछ इस तरीके से, और सीट्स आपकी कुछ ऐसी हैं। और इसमें नेकरेस्ट आपको मिलते हैं एलिगेंस एडिशन की बैजिंग के साथ जो कि अवेलेबल नहीं है। और ओवरऑल कुछ डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ ऐसा आपको लुक देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो एलिगेंस एडिशन के पार्ट हैं वो अभी इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है और बैठते हैं कार के अंदर। और स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ पे आपके मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बीच में स्कॉडा का लोगो, और यहाँ पे आपके एमआईडी के रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टेयरिंग पे भी आपका एलिगेंस एडिशन का यहाँ पे ब्रांडिंग मिलती है, और ये हैं इसके वाइपर्स के कंट्रोल्स, और यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं आपको, और यहाँ पे आपका क्रूज कंट्रोल्स और हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स और पेडल शिफ्टर्स अवेलेबल हैं। लेदरेट स्टेयरिंग व्हील आपको रैप मिलेगा। स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट अकॉर्डिंग और जैसा भी कंफर्टेबल आप ड्राइव चाहें। और 8 इंचेस का डिजिटल कॉकपिट आपको देखने के लिए मिलता है, और इसे यूज़ करने के लिए आपको लाइट्स वगैरह ऑन करनी पड़ती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिजिटल स्पीड, सारे फीचर्स आपको दिखाएगा, और कुछ ऐसी थीम आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ से आप अपने हेडलैम्प्स के कंट्रोल कर सकते हैं और लेवल कर सकते हैं उन्हें, और यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच आपको देखने के लिए मिल जाता है। एसी वेंट्स की डिज़ाइन है, एम्बिएंट लाइटिंग कार में अवेलेबल है, यहाँ पे स्कॉडा का साउंड सिस्टम और टिकट होल्डर मिल जाता है, और ये है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। कुछ इस तरीके से प्रेजेंस मिलती है, थीम मिलती है, डिज़ाइन मिलता है, आप चेंज कर सकते हैं। आरपीएम मीटर वगैरह अलग तरीके से भी आपको शो होता रहता है। सीट बेल्ट्स की वार्निंग जो है वो फ्रंट एंड रियर दोनों की यहाँ पे बताता रहेगा। डिजिटल स्पीड वगैरह, टाइम, टेम्परेचर, फ्यूल गेज, कौन से पोजीशन में आप ड्राइव कर रहे हैं, सारे इंडिकेशन वगैरह यहाँ पे देगा। ओवरऑल ऐसा लुक है जिसे आप स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ ऐसा व्यू ड्राइवर साइड से, ऊपर आपको वैनिटी में टिकट होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी अवेलेबल है ड्राइवर साइड, बहुत ही कम कार्स में होता है, और यहाँ पे है ऑटोमेटिक IRBM, ऊपर आपको LED रीडिंग लैंप्स हैं, सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, और एंटी पिंच सनरूफ आपको देखने के लिए मिलती है जो कि कुछ इतनी खुलती है, इससे ज़्यादा नहीं खुल पाएगी, शेड्स थोड़े बहुत और खुल जाएंगे, बाकी कुछ इतनी सनरूफ आपकी खुलती है, और सिंगल टच से आप क्लोज या फिर ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको अगर पैसेंजर साइड वैनिटी की बात करें तो मिरर मिल जाता है, लाइट्स अवेलेबल नहीं है, और ये इसका 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आता है स्कॉडा प्रीमियम 8 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम 380 वॉट्स का। इसमें आपका एक सबवूफर भी इंक्लूडेड है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वाया USB आप कनेक्ट करके चला सकते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह अवेलेबल है, और जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स वगैरह हैं ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आप शो होते रहेंगे। FMEM, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, नेविगेशन वगैरह, जियो फेंसिंग जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं, और स्कॉडा प्ले एप्स वगैरह भी इसमें आप देख सकते हैं, ट्रैक्शन ऑन ऑफ करना भी यहाँ से कर सकते हैं, सेटिंग्स वगैरह में साउंड, स्क्रीन की ब्राइटनेस वगैरह, प्रोफाइल सेट करना, लॉक लगाना, सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा टच रिस्पॉन्स है इसका। यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एप्लीकेशन हैं, और एम्बिएंट लाइटिंग अवेलेबल है, और यहाँ पे गोल्डन स्टड्स दिए हुए हैं, ब्लैक पियानो फिनिश है, ओवरऑल कुछ इस तरीके का लुक। यहाँ पे हज़ार लैंप के बटन, AC के कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक AC, जिसे आप सिंगल टच से और स्क्रोल करके भी टेम्परेचर कम ज़्यादा करना या फिर ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा करना कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं AC के। और नीचे आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर है, 2 Type-C के पोर्ट्स अवेलेबल हैं, और ये है इसका 7 स्पीड का DSG ट्रांसमिशन,
जिसमें आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है। और अगर इसका यूसेज की बात करें तो यहाँ पे नीचे आपको एक बटन मिल जाता है, एक लीवर टाइप, जिसे आप कुछ इस तरीके से प्रेस करके गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। और काफ़ी प्रीमियम लगता है गियर नॉब। और यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन्स हैं, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, और दोनों ही ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं। और यहाँ पे आपको 12V का पावर सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से हैंड ब्रेक्स हैं, दो ग्लास होल्डर हैं, और लेदर में आपका आर्मरेस्ट मिल जाता है विद स्टोरेज, कीज, वॉलेट, फ़ोन आप रख सकते हैं इसमें। और ग्लब बॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कूल्ड ग्लब बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, और काफ़ी डीप स्पेस अवेलेबल है। ओवरऑल कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड लुक है। और अगर पेडल्स की बात करें तो नीचे आपको एल्युमिनियम फिनिश में पेडल्स मिलते हैं स्पोर्टी टाइप, जो कि अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, जिनकी पिक्चर शायद आपकी उसमें शो होती रहेगी। और अभी चलते हैं कार के रेयर सीट्स में, आपको क्या स्पेस है, क्या फीचर्स हैं वो बताते हैं। पीछे का डोर एज इट इज़ फ्रंट डोर की तरह की मिलता है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर टिक देखने के लिए मिल जाएगी, और स्पीकर्स, बॉटल होल्डर के लिए जगह, ग्रैब हैंडल है, पावर विंडो कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे ट्विटर्स, डोर अनलॉक, लॉक लीवर, और यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे वेलिगेंस के नेकरेस्ट अवेलेबल होते हैं। और बैठते हैं अंदर। और स्पेस की अगर बात करें तो अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। और यहाँ पे दो एसी वेंट्स हैं, दो टाइप सी के पावर आउट देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल है विद कोट हुक, बीच में रीडिंग लैम्प मिल जाती है एलईडी फॉर्म में, यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है विद कोट हुक, और बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा दो ग्लास होल्डर्स के साथ, और चाइल्ड सीट्स, आइसोफिक्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। पीछे से जो डैशबोर्ड का लुक है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। और अभी चलते हैं कार के बाहर और इंजन स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हुड को अनलॉक कर लेते हैं, तो यहाँ से आप अपना हुड अनलॉक कर सकते हैं। और स्कॉडा में आपको दो इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक 1 लीटर और 1.5 लीटर। तो ये 1.5 लीटर का DHT ट्रांसमिशन के साथ आता है, यहाँ पे आपको कोई भी इंसुलेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। और ये है 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पॉजिटिव इग्निशन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन विद एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 148 BHP एंड 250 NM टॉर्क विथ 19 to 19.36 KMPLG एवरेज के साथ। और इंसुलेशन वगैरह भी इस तरीके से मिल जाएंगी, बैटरी कंपार्टमेंट, फ्यूज बॉक्स वगैरह है, यहाँ से आप अपने वॉशर्स के लिए पानी वगैरह भर सकते हैं। और DHT ट्रांसमिशन के साथ आएगा 7 स्पीड। इंजन अंडरगार्ड प्रोटेक्शन वगैरह यहाँ पे आपको नॉर्मल से मिलती है, बाकी क्लोज करते हैं इसको। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो जो इस वाले का यानी DHG वाला जो आपका वेरियंट है उसकी प्राइसिंग आपकी पड़ेगी 18.92 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, और 17.52 लाख से स्टार्ट हो जाता है एलिगेंस एडिशन स्टाइल का मैनुअल ट्रांसमिशन में। ये आपका DHG वाला सबसे टॉप ऑफ द लाइन एलिगेंस एडिशन का वेरिएंट था। तो कैसे लगे वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके जाएं और कमेंट करके जाएं। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।